بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो आज की मुबारक रात है, आज से 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत अता करने के 5 साल बाद, यानी सन 5 नबवी में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का ये तोहफा अता फरमाया। लेकिन नमाज का तोहफा कैसे अता फरमाया? ये नमाज का तोहफा एकदम नहीं मिला। 5 साल का जो गैप दरमियान के अंदर आया, वो किस लिए आया, उसकी भी एक उसको भी हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आमिर गिलास के अंदर पानी लेके आ, हुज़ैफ़ा भाई के लिए, जब उधर से लेकर आ पीछे, हम तमाम को ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कि सबसे पहले जब नबुवत मिली अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो कोई चीज फर्ज नहीं थी, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला जो हुक्म दिया, वो दिया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फानदिर वरब्बका फकब्बिर। जो पहली जो आयतें आपको गारे हिरा में नाजिल हुई थी, उसके बाद कोई आयतें नहीं नाजिल हुई, एक लंबा गैप पड़ा और उसके बाद फिर ये आयतें नाजिल हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इंतजार किया करते थे अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से शायद और कोई अहकाम आएंगे, और वो जो जिब्रील अमीन को आपने गारे हिरा में देखा था, आपके दिल में एक शौक होता था कि मैं दूसरी मर्तबा भी उनको देखूं। मगर फिर वो ये आयतें लेकर नाजिल हुए, कहा कुम फानजिर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खड़े हो जाओ और लोगों को अल्लाह से डराओ, व रब्बका फकब्बिर और अपने रब की बड़ाई बयान करो, व सियाबका फतहिर और साफ सुथरे कपड़े पहनो। ये आयतें जो नाजिल हुई, ये कुरान पाक की दूसरी सूरत है या सूरह मुद्दस्सिर। इन आयतों के नुजूल के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनफिरादी मुलाकात का हुक्म दिया, इनफिरादी दावत का हुक्म दिया, खुसूसी मुलाकात, अब खुसूसी तरीके से तुम दावत के काम को आम करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत को सबसे पहले पेश किया अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर, वो ईमान में दाखिल हो गई। अपने सबसे करीबी जो दोस्त थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी ईमान में दाखिल हो गए। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और मुंह बोले बेटे थे, वो भी ईमान में दाखिल हो गए। और आपके चचाजाद भाई हजरत अली करम अल्लाह वजहहू, जो छोटे बच्चे थे, वो भी ईमान में दाखिल हो गए। ये पहले दिन ईमान में दाखिल होने वाले लोग थे। और उसके बाद जो लोग ईमान में दाखिल हुए, फिर हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दोस्त थे, उनके तवस्सुत से वो ईमान में दाखिल हुए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये 6ठे या 7वें मुसलमान हैं जो ईमान में दाखिल। फिर ईमान की मेहनत चलती रही और अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर जब ईमान की जो इनफिरादी मेहनत है वो मक्के में आम हो गई और लोगों की जुबान पर जब ईमान के चर्चे होने लगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक होने की बात करते हैं, उस वक्त फिर अल्लाह ने दूसरी आयत नाजिल की, वानजिर अशीरतकल अकरबीन, अब अपने रिश्तेदारों को अल्लाह के दीन की दावत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में खाने की दावत का एहतमाम किया और अपने खानदान के लोगों को जमा किया और उनके सामने ईमान की बात रखी। आपके चचा अबू लहब वो खड़ा हुआ और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुमने ये बात सुनाने के लिए हम तमाम को यहाँ पे जमा किया, और वो दावत का पूरा मजा किरकिरा हो गया। फिर दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत की और तमाम लोगों के सामने वो बात रखी। हजरत अली करम अल्लाह वजहहू, जो मासूम बच्चे थे, वो खड़े हुए और कहने लगे कि भाईजान, मैं हर तरह से तुम्हारे इस दावत की और दीन की मदद करने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला
फस्दा बिमा तुमर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अलल एलान दावत का काम करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा के पहाड़ पर खड़े हुए और आपने मक्के वालों को पुकारा और उनके सामने ईमान की दावत रखी। उस वक्त फिर अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रोड़ा पैदा किया तो कुरान की वो सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब। अल्लाह तबारक व तआला को उसका ये अंदाज पसंद नहीं आया। अब उसके बाद मुसलमान, जब मुसलमानों में दीन आम हो गया और मुसलमान एक दूसरे को दावत देने लगे, अब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों का अल्लाह से ताल्लुक जुड़े, ताल्लुक पैदा हो, उसके लिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। हालांकि नमाज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले भी पढ़ते थे, इसलिए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी को नमाज सिखा कर गए थे कि अगर अल्लाह को याद करना है तो इस तरीके से याद करो, मगर नमाज फर्ज नहीं हुई थी, इसलिए कि नमाज तो पहले अंबिया भी पढ़ते थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक मखसूस दिन, जो आज की मुबारक रात वाला दिन है, उस दिन को मुकर्रर किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता करने।